सो और फैकल्टी वगैरह कैसी है? फैकल्टीज मतलब सपोर्टिव है, मोटिवेटेड है। अटेंडेंस क्राइटेरिया 75% ही चाहिए यार, वो तो बहुत वो तो तुम अपना भूल जाओ, तुम अपनी चीजें भूल जाओ, अटेंडेंस मैंडेटरी है। लास्ट में आप क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को कि एमबीए में एडमिशन लेना चाहिए यहाँ पे या नहीं? गाइस हमारे साथ अक्षत हैं और प्रशांत है और विशाल है जो एमसीए के स्टूडेंट्स है काइट में, और ये हमें एमसीए के बारे में बताएं कि अगर कोई और इशू होगा तो सब संभाल लेंगे, टीचर भी संभाल लेंगे, एचओडी सर भी संभाल लेंगे, सब सपोर्ट कर देंगे, पर अगर तुम्हारी अटेंडेंस कम है तो बिल्कुल नहीं संभालेगा कोई, कॉलेज तो आना ही पड़ेगा। और भैया फीस स्ट्रक्चर क्या है एमसीए का? फीस भैया लास्ट क्वेश्चन, आप क्या सजेस्ट करोगे जो एमसीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए? बहुत अच्छा कॉलेज है, पढ़ लेंगे यहाँ तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी प्लेसमेंट लग के जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई जैसा कि मैं जो है काइट कॉलेज में बीटेक की मेनली वीडियोस बनाता हूँ, पर भाई बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई एमबीए के बारे में भी बता दो, एमसीए के बारे में भी बता दो, तो भाई उनके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। इस वीडियो में जो है सबसे पहले एमबीए के स्टूडेंट्स लिए गए हैं, उनसे पूछा गया है कि एमबीए कैसा है, कॉलेज का फ़ायदेमंद है यहाँ आने के लिए, और फिर उसके बाद एमसीए के स्टूडेंट्स लिए गए हैं। भाई एमसीए की ज़्यादा मांग हो रही थी कि भाई एमसीए के बारे में बता दो, एमसीए के बारे में वीडियो बना दो, तो भाई उनके लिए लो ये वीडियो बना दी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारे साथ आज हैं आदिति, राखी और शुभी जो हमें एमबीए के बारे में बताएंगी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप एमबीए का कौन सी ईयर में हैं? ओके, तो हम जो तीनों हैं बेसिकली हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो हम बेसिकली हम मेरा और राखी का जो डोमेन है वो मार्केटिंग एंड एचआर है, एंड शी इज़ फ्रॉम द मार्केटिंग एंड आईटी। और यहाँ पे एमबीए में जो एडमिशन्स होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? बेसिकली जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा भी टफ नहीं है। बेसिकली हमें क्या हुआ, एक हमारा एप्टी टेस्ट होता है जिसमें बच्चे को जो फर्स्ट राउंड होता है बेसिकली फॉर गेटिंग द एडमिशन इन द एमबीए, सो जो फर्स्ट होता है वो हमारा एप्टी टेस्ट होता है। इफ़ यू क्लियर विद दैट, देन हमारा फेस टू फेस इंटरव्यू होता है जिसमें हम बच्चे की कम्युनिकेशन और उसका थोड़ा लेवल चेक करते हैं जो हमारे जो। हाँ जी, और पीछे के नंबर भी कोई डिपेंड करते हैं? पीछे के जो आई थिंक जो क्राइटेरिया है वो आई थिंक 65 है। 65% और वर्थ इट है काइट एमबीए करने के लिए? वर्थ इट है इन अकेडमिक्स, इट्स टू गुड, बिकॉज जो तुम इनपुट दे रहे हो, मतलब एक जो एमबीए का स्टूडेंट है, व्हाट मैटर्स फॉर एमबीए स्टूडेंट कि तुम कितना इनपुट दे रहे हो एंड व्हाट्स यू गेट इन एज अ आउटपुट, राइट? तो अगर तुम्हारा इनपुट कितना जा रहा है वो बहुत कम है और तुम्हें आउटपुट बहुत अच्छा दे रहा है काइट। और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का क्या है? वही मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारा अगर इनपुट जा रहा है 3 लाख तो तुम्हें आउटपुट मिलेगा 10 लाख। अच्छा। मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ काइट में, इन अकेडमिक्स काइट इज़ वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट इन प्लेसमेंट इज Going good also. और फैकल्टी वगैरह कैसी है? फैकल्टीज मतलब सपोर्टिव है, मोटिवेटेड है। लाइक मैंने सुना है कि कभी कभी ना जो दूर से डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी जो फैकल्टी होती है वो इतनी सपोर्टिव नहीं होती, बट एम बी ए की फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, हमेशा अपने बच्चे को सपोर्ट करती है हर डिपार्टमेंट। और अटेंडेंस क्राइटेरिया 75% ही चाहिए यार, वो तो बहुत वो तो तुम अपना भूल जाओ, तुम अपनी चीज़ें भूल जाओ, अटेंडेंस मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे अटेंडेंस है। अगर 75 नहीं है तो डिटेल हो। हाँ जी। और एवरेज पैकेजेस कितने जाते हैं एमबीए? एवरेज पैकेज 4.5 लाख। हाँ, 5। इट्स एवरेज। और मैक्सिमम? मैक्सिमम जो इस 14 LPA गया है इस बार का। आप बैठे हो अभी प्लेसमेंट में कोई? हाँ, मतलब कैसे क्या होता है, इंटरव्यू हार्ड वगैरह होते हैं? देखो, इफ इट इज़ अ कैंपस प्लेसमेंट, तुम लोग 10 बंदों के साथ बैठे हो तो कंपटीशन थोड़ा सा तो टफ होगा ना, तो बस इतना ही टफ है, अदरवाइज इतना कोई क्राइटेरिया टफ नहीं होता कभी कोई। इट्स डिपेंड टू कंपनी टू कंपनी कि कितने इंटरव्यू राउंड है, कितना कुछ है या, बट इफ़ यू हैव इनफ नॉलेज समटाइम्स योर लक इज मैटर, अदरवाइज इफ यू आर गुड इन इनफ गुड इन मतलब अकेडमिक्स सो यू गॉट ईजली प्लेस्ड। और फी स्ट्रक्चर क्या है एमबीए का? फी स्ट्रक्चर देखो बेसिकली क्या है, जो नॉर्मल फी स्ट्रक्चर है वो है 3 लाख फॉर कंप्लीटिंग योर एमबीए, बट इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट देयर इज द 9 to 10 सीट्स फॉर द सीयूईटी स्टूडेंट्स हु गिव द एग्जाम फॉर द सीयूईटी एंड दे गुड सीट्स इन सम डिस्काउंट्स। आई एम नॉट दैट मच अवेयर फ्रॉम दैट द अमाउंट विच वी गोट फ्रॉम दैट डिस्काउंट्स।
तो लास्ट में आप क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को कि MBA में एडमिशन लेना चाहिए यहाँ पे या नहीं? हाँ देखो, जो बच्चे के देखो MBA जो है ना थोड़ा टफ है, स्टैंडिंग मास्टर का कोर्स है, तो ये ना थोड़ा इसका जो मतलब हमारा क्या रहता है, जो इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है वो और कम, मतलब जो तुम अगर और कॉलेज करोगे ना तो बहुत हाई है, ठीक है, मतलब आप NCR में देख लो काफ़ी कॉलेजेस हैं जिनका हाई है, बट वही और वहाँ के कभी ना बच्चों से हम जाना वो लोग क्या करते हैं, वो हाई इसलिए वहाँ का सिर्फ एक नाम है, काइट का भी नाम है, बट काइट क्या कर रहा है ना, अगर वो 3 लाख दे रहा है ना तो वो तुम्हें 4 लाख की पढ़ाई देगा, तो मतलब इसका जो इन अकेडमिक्स में वो बंदे को ना मतलब जो हमारा काइट है, काइट की जो फैकल्टी है वो इतना प्रेशराइज कर देती है बच्चे को, भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, असाइनमेंट कर ले, मतलब रगड़ देती है ताकि तुम्हें कॉर्पोरेट में ना टफेस्ट ना लगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो गाइज, ये MBA की गर्ल्स थी जिन्होंने रिव्यू दिया कि काइट से आप MBA कर सकते हो या नहीं। अब MCA के स्टूडेंट्स को लेते हैं और उनका रिव्यू देखते हैं कि वो क्या कहते हैं MCA के बारे में। गाइज, हमारे साथ अक्षत हैं और प्रशांत हैं, विशाल और विशाल हैं, जो MCA के स्टूडेंट्स हैं काइट में, और ये हमें MCA के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो भैया आप ये बताइए कि आपकी कौन सा ईयर है? अभी हमारा फर्स्ट ईयर है और सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है हमारा। अभी सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। और MCA में अगर एडमिशन लेना हो तो किसके थ्रू होगा? MCA में अगर एडमिशन लेना है तो हमारा एक तो डायरेक्ट एडमिशन होता है और एक हमारा टेस्ट होता है जिसे ये हम बाहर से करते हैं 12th के उसके ग्रेजुएशन के अपने बाद में, और उस टेस्ट का नाम है UPCUET। अच्छा, तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, रैंक होती है, इतनी कोई ज़्यादा रैंक होने की ज़रूरत नहीं है, अगर थोड़ी भी होगी तो हो जाएगा। फिर अगर तुम डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो काइट में आओगे, एक छोटा सा इंटरव्यू होएगा, उसके बेस पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद अभी एडमिशन चालू हो चुके हैं, हमारे से जो पहले वाला बैच था उसमें 180 सीट थी, अब 214 थी हमारे वाले बैच में, और जो अगला आ रहा है उसमें सीट और बढ़ा दी गई है, तो चांसेस और ज़्यादा हो गए हैं एडमिशन होने के। रही बात प्लेसमेंट की, तो जो प्लेसमेंट है कॉलेज का वैसे अच्छा है, ऐसी कोई बुराई नहीं है, पर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट सही है, एवरेज पैकेज सही जा रहे हैं। अभी थर्ड सेम ख़त्म ही हुआ है और 180 में से अप्रोक्स 95-96 बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है, चल भी रहे हैं प्लेसमेंट ड्राइव्स हमारी, और हम उम्मीद करते हैं कि पिछली बार भी है ना शायद एक या दो बच्चों की प्लेसमेंट शायद नहीं लगी हो, लेकिन पिछली बार सारे बच्चे प्लेस हुए हैं और इस बार भी यही उम्मीद है कि सारे बच्चे प्लेस होंगे। तो टीचर्स से पता चला है कि 180 स्टूडेंट थे पहले, हमारे से पहले वाला बैच, वो 90 स्टूडेंट का हुआ है अभी प्लेसमेंट, और बाकी अभी रह रहे हैं, मतलब प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, अभी प्लेसमेंट का प्रोसेस चल, वैसे एवरेज पैकेज कितना जाता है? एवरेज पैकेज इस बार हमारा अभी मैक्स टू मैक्स 5 गया है, 5 गया है मैक्सिमम, और एवरेज अभी फिलहाल 4 के अप्रोक्स चल रहा है, 350 और 4 के आसपास, क्योंकि अभी मार्केटिंग में रिसेशन चल रहा है इस वजह से थोड़ा कम गया है, लेकिन अभी हमारे शायद अब जो आगे आने वाले बैच होगा उसमें शायद अच्छा पैकेज जाएगा, अप्रोक्स ये उम्मीद करें कि 6 या 7 के आसपास तो बिल्कुल जाएगा। और भैया फैकल्टी वगैरह कैसी है, MCA की सपोर्टिव है? बहुत सपोर्टिव है, सबको एक मेंटरिंग मिलते हैं, और ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चों का ग्रुप होता है हमारे, अगर उन बच्चों को पर्सनली भी कोई रीज़न होते हैं तो उन सबके मेंटर असाइन होते हैं हमारे, हर पहले आते ही सर फर्स्ट सेम में ही, तो अगर कोई भी पर्सनल रीज़न है या कोई पढ़ाई से रिलेटेड है या कोई फैकल्टी में या किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो अपने मेंटर से जाके बोल दो, वे आगे आपको फॉरवर्ड कर देंगे। टीचर सपोर्टिव है, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मतलब सारे टीचर अच्छे से समझाते हैं, कोई भी एनी इशू हो कुछ भी अच्छे से हैंडल करते हैं। अटेंडेंस क्राइटेरिया 75% मिनिमम 75 होना चाहिए, वो उसके बिना आपको CUET इंटरनल्स नहीं देने के दिए जाने के, और बैठने नहीं। हमारा AKTU का है कि उसमें 65 होनी चाहिए ओवरऑल, तो अटेंडेंस का बहुत है, और यहाँ पे अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी होती है, उस पर बहुत प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हें कॉलेज में आना है और अपनी क्लासेस अटेंड करनी है टाइम से। कि अगर कोई और इशू होगा तो सब संभाल लेंगे, टीचर भी संभाल लेंगे, HOD सर भी संभाल लेंगे, सब सपोर्ट कर देंगे, पर अगर तुम्हारी अटेंडेंस कम है तो बिल्कुल नहीं संभाल लेगा कोई, कॉलेज तो आना ही पड़ेगा, बिल्कुल आना ही पड़ेगा। पर किसी के पास जेन्युइन कोई रीज़न है कि भाई जैसे बीमार है या उसकी फैमिली में से कोई मतलब उसका कोई जैसे पेरेंट्स में से कोई बीमार है और वो नहीं आ रहा तो ये कंसीडर करते हैं, सिर्फ इन्हें प्रूफ चाहिए कि हाँ तुम क्यों अब्सेंट थे, ये मेडिकल रीज़न वैलिड होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ज़बरदस्ती कि भाई तुम बीमार हो फिर भी आओ कॉलेज में, नहीं, अगर तुम्हारे घर से या तुम्हें कुछ पर्सनल रीज़न भी है या तुम बस रीज़न तुम्हारा वैलिड होना चाहिए कि तुम नहीं आए कॉलेज में, तो उस वजह से है ना, लेकिन कॉलेज में आना मैंडेटरी है अगर आपको पढ़ना है
तो आई कंसिडर कि काइट आपके लिए बहुत सही है कॉलेज है। और क्लासेस वगैरह कैसे चलती है, टाइम टेबल? क्लासेस इसकी सुबह हमारी क्लासेस होती है 9:10 से स्टार्ट होती है और बीच में हमारा 12:30 बजे एक घंटे का लंच होता है 1:30 तक का और फिर 4:50 पे हमारी क्लास ओवर हो जाती है। मतलब 5 बजे तक ही चलती है? हाँ, पूरा 5 बजे तक। हमारे इसमें 8 लेक्चर होते हैं। 4:50 तक क्लास ओवर हो जाती है और लैब्स भी हैं। जिस सब्जेक्ट के तुम्हें लैब की ज़रूरत है ना, फर्स्ट सेमेस्टर से ही तुम्हारी लैब होगी और लैब में हर चीज़ वर्किंग है। ये नहीं है कि भाई नाम नाम के लिए लैब है, लैब में प्रॉपर वर्क होता है, प्रॉपर तुम्हें असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, प्रॉपर तुम उसमें काम करते हो और तुम एडिशनल प्रोजेक्ट भी तुम कर सकते हो। और जैसा कि काइट ऑटोनोमस हो गया है, एमसीए के लिए भी ऑटोनोमस है? हाँ, अब जो नया जो बैच आ रहा है उसके लिए पूरा काइट ही हो गया है। वो तो नेक्स्ट बैच आएगा, हाँ, वो ऑटोनोमस सब हो गया। जो आपसे ना, जो इस साल आएगा उसके लिए, जो इस साल आएगा वो आएगा, वही हमसे जो बाद का आएगा उसके लिए पेपर वगैरह सब कॉलेज में ही होंगे। एक नो ऑटोनोमस होने का फायदा ये भी है हमारे कॉलेज का कि जैसे एकेटीयू का सिलेबस था वो थोड़ा सा अलग था कि भाई उसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो शायद हम यूज़ नहीं करने का गए इंडस्ट्रियल अपने पर्पज़ में, लेकिन अब एक जैसे ऑटोनोमस हुआ है तो सिर्फ हमें वे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जिससे हमारी प्लेसमेंट लगे, जो कंपनी हमसे मांग रही है या जो कंपनी की रिक्वायर्ड है, सिर्फ वही। और मेन सब्जेक्ट पढ़ाए, ये नहीं कि भाई चलो कुछ भी पढ़ा दिया या एकेटीयू के सिलेबस में, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो तुम्हारे स्पेसिफाई है ना तुम्हारे कॉलेज के लिए, तुम्हारी प्लेसमेंट के लिए, आगे कंपनी जो डिमांड कर रही है आजकल, वो टेक्नोलॉजी तुम्हें पढ़ाई जाएगी, वो सिखाई जाएगी। हमारी स्किल्स की जरूरत है वो हमें सिखाई जाएगी, ऑटोनोमस का ये फायदा। और भैया फीस स्ट्रक्चर क्या है एमसीए का? फीस शायद अभी इंप्रूव कर दी गई है, साल 10,000 बढ़ाई गई है तो 150 के अप्रोक्स चल रही है फीस एमसीए की। 1.5 लाख तक, 1.5 लाख के आसपास जा रही है अभी, है ना। अभी सच नहीं पता कि अभी कितनी है फीस स्ट्रक्चर, लेकिन हमारे टाइम पे 140 अराउंड थी और अब शायद बढ़ा दी हो क्योंकि ऑटोनोमस की वजह से, लेकिन ऐसा इतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ाई कि तुम अफोर्ड ना कर पाओ या ये कि बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट, नॉर्मल है इंक्रीमेंट है और उनके जैसी है, इतनी कोई खास वो नहीं है। प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। भैया लास्ट क्वेश्चन, आप क्या सजेस्ट करोगे जो एमसीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए कि लेना चाहिए या नहीं? मैं अपनी साइड से नहीं बोल रहा हूँ, जितने हैं ना सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें पढ़ना है, प्लेसमेंट चाहिए, स्किल्स चाहिए और एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि हाँ मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, तो एडमिशन लेने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। पर अगर तुम्हें ये चाहिए कि मुझे थोड़ा फ़न भी करना है, ये क्लब भी ज्वाइन करने हैं, ये भी करना है, वो करना है, तो फिर मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। काइट फिर उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाई वाले बच्चों के लिए है। अगर तुम्हें करियर बनाना है तो तुम्हारे लिए बेस्ट है। कि देखो, हमारा जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होता है एमसीए का वो होता है बीटेक 3rd ईयर से। वे पहले ही चीज़ें सी और बीटेक 3rd ईयर से CSIT से जो ऑलरेडी है ना पहले सेमेस्टर पे, वे कुछ ना कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं, वे हमसे ज़्यादा एडवांस होते हैं, तो हमारा कंपटीशन डायरेक्ट उनसे होता है, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम मस्ती मजाक कर सकें या फिर हम फन कर सकें। लेकिन अगर किसी को पढ़ना है, और बेस्ट बताऊँ, किसी पे अगर थोड़ी बहुत भी टेक्नोलॉजी आती है ना, जैसे वेब डेवलपमेंट आती है, उसमें थोड़ी बहुत भी सीख रखी है, सी सीख रखी है, जावा सीख रखी है, उसके लिए तो बेस्ट है, आओ और तुम्हारी स्किल्स डेवलप कर देंगे। बहुत अच्छा कॉलेज है, पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी प्लेसमेंट लग के जाएगी, लेकिन एफर्ट्स तुम्हें भी डालने पड़ेंगे, ये नहीं कि तुम आके मस्ती कर रहे हो, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाएंगी, इसकी गारंटी है। ये भी है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ फन होता ही नहीं है, टाइम टू टाइम फेस्ट भी होती है, फेयरवेल भी होती है, और कॉलेज का जो फेस्ट होता है वो भी होता है, सब चीज़ें होती हैं, पर टाइम के अकॉर्डिंग होती है, रोज़ रोज़ कुछ नहीं होता है। बाकी तो अगर आना है काइट में एडमिशन लेना है तो बेस्ट है, आ जाओ एकदम। तो साल में एक बार ही होता है? हाँ, वो तो एक साल ही एक बार ही होता है साल में, फेस्ट में एक बार होता है, फिर फ्रेशर्स पार्टी भी होती है, कुछ ना कुछ ईवोक वीवोक चलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चलते हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम चलते हैं, ऐसे नहीं है कि भाई तुम्हें रोज़ कुछ ना कुछ तुम कर रहे हो, तुम रोज़ कुछ ना कुछ करने के चक्कर में ना अपनी एमसीए ख़राब कर पाओ, क्योंकि बीटेक नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है कि तुम एमसीए कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में आपके जो आप सीख लोगे, थर्ड सेम जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर में आओगे, थर्ड सेम में आओगे, उसके बाद में आपकी प्लेसमेंट ड्राइव शुरू स्टार्ट हो जाएगी, और वो एक साल में जो तुमने सीख लिया है तो उसमें अपना फन कर लो या फिर तुम अपनी पढ़ाई कर लो, तो डायरेक्ट वही है। जैसे कि फैकल्टी का ये है कि मतलब वो ना ज़्यादा स्किल्स पे ध्यान देते हैं, वो मतलब ये नहीं कि तुम फन करोगे, मतलब बाहर स्टूडेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि तुम्हारी स्किल्स इंप्लीमेंट करी जाए, उन्हें अपडेट करा जाए स्टूडेंट को, जैसे उनका बॉसों का रिज्यूम अपडेट नहीं होता तो उनका रिज्यूम भी अपडेट कराते हैं, कंपनी में मांगते हैं जिस हिसाब से, मतलब ये चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं काइट की फैकल्टी। मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, एडमिशन लेना बहुत फायदेमंद है काइट में लेने का, बेस्ट है सब चीज़ के लिए, बेस्ट है अगर पढ़ना है तो बेस्ट पढ़ने पढ़ाई के लिए तो बेस्ट है।
और कुछ कहना चाहोगे भाई आप एंड में? बस यही है कि अगर आओ इस कॉलेज में तो थोड़ा सा है ना पढ़ के आओ, और थोड़ा सा पढ़ाई पे थोड़ा अपन स्किल्स डेवलप करो, और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। यहाँ पे मस्ती मजाक इतना नहीं होगा कि तुम ज़्यादा कर पाओगे एमसीए में स्पेशली, लेकिन हाँ अगर पढ़ने के पर्पज़ से तुम आ रहे हो, तुम्हें जॉब चाहिए अच्छी, तुम्हारा मेन एम ये है कि हाँ यार फोकस करके पढ़ना है, तो आओ बिल्कुल आओ। और जिस पर थोड़ी बहुत भी तुमने स्किल सीख रखी होगा ना, एक्स वाई जेड कुछ भी सीख रखा हो, पाइथन सीख रखी हो, सी सीख रखी हो, तो मोस्ट वेलकम, आप आओ अपनी स्किल्स और अपग्रेड करो, और अपग्रेड वो टाइम के साथ साथ तुम्हारी हो जाएगी, और ये प्लेसमेंट लगवा देंगे, उसमें तुम्हें इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और डेली तो आना ही पड़ेगा, और डेली आना पड़ेगा, अटेंडेंस मैंडेटरी है, डेली आना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि क्लास में भी करवाते हैं, पढ़ाते हैं प्रॉपर, लैब करवाते हैं प्रॉपर, तुम्हें टास्क मिलते हैं प्रॉपर, आओ टास्क कंप्लीट करो, सीखो, असाइनमेंट मिलती है, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो कंप्लीट करो, अपना आप को डेवलप करो। थैंक यू। सो गाइस ये थे रिव्यूज एमबीए के और एमसीए के। भाई अब आपके ऊपर है, आप एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं। पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको, बच्चों को लेके आपने बोला था कि भैया ऐसे वीडियोस बना दो स्टूडेंट्स को लेके कि स्टूडेंट्स खुद बताए अपनी ब्रांच के लिए, उन्होंने कहा था ऐसी वीडियो बना दो, तो भाई ऐसी वीडियो बना दी। अब अगर फिर भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट कर देना, दे देंगे आंसर, हम तो दे ही देते हैं रिप्लाई वगैरह। तो ठीक है, सो भाई इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेस्ट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई एडमिशन हो जाएगा तो ऐसा मत कर देना कि चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया, वीडियो देखनी बंद कर दी, भाई सपोर्ट करते रहना अपने भाई को, ठीक है ना भाई, देख लो कितना कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, ठीक है भाई। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेस्ट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो आएगी बीटेक के स्टूडेंट्स को लेके, कंप्यूटर साइंस की सारी ब्रांच के स्टूडेंट्स को लेंगे, ईसी के ब्रांच के स्टूडेंट्स को लेंगे, और उनसे रिव्यू लेंगे काइट के बारे में, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।